I'm part of it. I did Ragini. I'm nominated also, so I'm very excited. I'm happy that we only do it for films and TV shows. Now web is also taking this this opportunity, and I'm happy. I'm very excited. I am doing Kapoor's right now. It's also with All Balaji. It's with Kushal Tandon and Ridhima Pandit. So that is going to be out very soon, maybe in 2 months. And my film is also going to be out with, it's called Hotel Milan. So stay tuned, guys. I'm wearing Carlio, and yeah, I hope you guys like it. Buddy. जी, I think it's the new future, digital, and I love web series these days. I'm sure you all are watching. So there are actually quite a few that I follow, and I'm looking forward for it because there are so amazing performances. So I think they should be appreciated, they should be rewarded, and that's about it. यार जो मैं कर रही हूँ उसके बारे में आई थिंक ऑफिशियली जब अनाउंस होगा तभी आई शुड कमेंट. आई थिंक इट्स एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. इनफैक्ट ऑल द वेब सीरीज लाइक आई टेल यू लाइक आई एम रियली फॉलोइंग इट. बेवफा सिवफा एंड रागिनी लाइक ऑलमोस्ट ऑल द वेब सीरीज ऑफ ऑल बालाजी आई हैव एक्चुअली वॉच्ड देम. सो या आई लाइक इट. लाइक आई लव ट्विस्टेड, आई लव माया. सो आई थिंक आई एम बिटवीन दीज दिस हब ऑफ वेब सीरीज. सो या I don't know, like really, I feel कि मेरे किसी friend को मिल जाए, and there are like quite a few nominated, and there are so many all series, so I want या तो बालाजी की किसी series को मिले और विक्रम भट, like they are like my favorite, so yeah, I'm biased. पहले तो सबको डिजिटल अवार्ड विनर को और जो भी आए हैं उनको सबको बहुत बहुत प्रणाम और मुबारकबाद. बाकी मेरे बच्चे का ट्रेलर आपको अच्छा लगा, थैंक यू सो मच. अब मैं क्या बोलूँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया. बड़ू जाके देखना बता. किसके बारे में? कुछ ज़्यादा भीड़ कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा. ये है कि काम करते रहने का मिलेगा अवार्ड, अच्छा नहीं मिलेगा तो भी अच्छा. काम करते रहे, तुम लोग प्यार दे रहे, इतना मेरा फ़ोटो ले रहे, मेरे से इतनी सारी बातें कर रहे, तो मेरी इज्जत तो आप लोगों ने काफ़ी रखी है. और हम भी कोशिश करेंगे कि अपने तरफ से कुछ ऐसा ना करें, कोशिश करेंगे. आपको लगता है डिजिटल प्लेटफॉर्म में ज़्यादा आज़ादी है ये बात?
जी 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 बेशक 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 डिजिटल वर्ल्ड में फिलहाल कोई मतलब पाबंदी ज़्यादा है ही नहीं और वर्ल्ड ओपन है, लोग खेल रहे हैं, अपने अपने इमोशंस को बता रहे हैं अलग अलग अपने ढंग से, कोई गाली गलौज से बता रहा है, कोई प्यार मोहब्बत से दिखा रहा है, और पाबंदी है ही नहीं तो खेल रहे हैं। हाँ मैं करूँगा ना डार्लिंग, मेरे को लो तो मैं करूँगा, नहीं लेंगा तो कैसे करूँगा। I've been wanting to wear sari for a very long time, so I thought why not, and luckily the sari is a ready-made sari, so I was like I think I can wear it comfortably. And yeah, I love to shine a little bit because I think red carpets mein when you glow and you glitter it always looks nicer, so yeah. वेल डेफिनेटली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई रियली अप्रिशिएट कि ऐसी चीज़ें बन रही हैं एंड दैट्स द रीज़न आई एम हियर टुडे एंड येस आई एम वर्किंग आउट फ्यू एंड फ्यू हैव नॉट वर्कड आउट बिकॉज आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस बट देन डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अ गुड वेब सो येस आई एम ओपन टू इट जब अपकमिंग होगा मैं तभी बताऊँगी अभी बहुत स्टेज इनिशियल पे है हाँ हिट स्टोरी 4 हाँ ऑफकोर्स मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बहुत अच्छी फिल्म है और हमेशा की तरह एक अच्छा फ्रेंचाइज है बिकॉज आई थिंक फ्रेंचाइज को इतना लंबा मेंटेन करके रखना और हिट रखना इज़ वेरी टफ बहुत सारे फ्रेंचाइज कहीं ना कहीं बीच में यू नो आप देखोगे पार्ट 1 या पार्ट 2 से ऊपर नीचे हो जाते हैं सो आई थिंक दैट्स फेयर इनाफ बट आई थिंक वी एक्सपेक्ट अ लॉट व्हेन देयर इज़ अ हिट फ्रेंचाइज बट आई रियली लव द फिल्म आई एम अ थ्रिलर फैन आई लव टू सी थ्रिलर फिल्म्स सो आई लव द फिल्म मुझे ऑनेस्टली सबका किरदार बहुत पसंद आया और आई थिंक विशाल इज़ ऑलवेज बीन अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्रेइंग हिज फीमेल लीड्स वेरी वेल एंड मेकिंग देम लुक वेरी प्रिटी एंड गिविंग देम देयर बेस्ट ऑफ द करियर बेस्ट कैरेक्टर सो आई थिंक एवरीबडी इज़ डन अ वेरी गुड जॉब सॉरी ओके See, abhi, that too I don't get into numbers and all and who am I to do it. Of course, if the film will do well, abhi film kal hi release hui and I really hope that it does amazing. Scared you. Is it, sorry, did I spoil your outfit? It's kind of cold. No, no, I'm just ready. Hi, how are you? Namaskar. मैं ठीक हूँ आपसे मुलाकात होती रहती है जी आई थिंक इट्स अमेजिंग यू नो बिकॉज डिजिटल प्लेटफॉर्म का फ़ायदा ये है कि हम द कॉन्टेंट कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड देर आर नो लिमिटेशंस लाइक ऑन टेलीविजन एंड इवन इन फिल्म देर आर लिमिटेशंस देर इज सेंसरशिप बट ऑन डिजिटल यू कैन मेक इट द वे यू वॉन्ट एंड आई थिंक वी आर मेकिंग सम ग्रेट स्टफ ऑन डिजिटल एंड नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट गेटिंग देयर जी Actually, the suit is by Amit Wadhwa, and the jacket and the shirt is by Pero. So Pero, the brand. And yeah, so and my stylist is Sahil Gulati. Unka naam bhi Sahil hai. So it's a good teamwork. Yeah, and Dev and Sahil, they style me, and I think they've done a phenomenal job. So thank you for the compliment. Yes, next I'm doing something with Nikhil Advani. Again, my last was POW with him. And yeah, so we'll talk about it.
right. Thank you, guys. Hi, how are you? Hi, how are you? Love what you're wearing, bro. Love what you're wearing. Thank you. Love you. Thank you. Hi. Not men, but we worked on the portrait of him. Oh, yes, of course, you were so poor. Brilliant you were. Anyone who would have complimented Sakshi beautifully were you. You were so natural. And we loved you at good cost. Thank you. Honestly, because every time Amrapali was messaging for you, I was supporting you. She told me you're a good friend. Hi guys. Thank you. मैंने decide किया कि आज मैं थोड़ा casual पहनता हूँ, formal जो है पहनने हो गया हूँ मैं bored तुम यहाँ पर क्यों हो? I'm expecting कि जितने nominations मुझे मिले मुझे सब awards मिले. I really am expecting this, but I think the competition is very very difficult because within a year's time, जिस तरीके से digital market in India has opened up, such amazing content is being built. So I'm just hoping that हमें दो तीन मिल जाएंगे तो we'll be happy. यार खाली आदमी जाएंगे. Yes, it does because the stories are much more, and also because as our country, you know, we loves to slot कि ये viewers यही देखते हैं, ये viewers यही देखते हैं. So अभी हमें पता नहीं viewers कौन हैं. So हम हर तरह की कहानियाँ digitally बता पा रहे हैं. So I think that's very exciting right now. See, I think there will always be people who will use, and there will be always people who will misuse. And that doesn't go only for digital; it goes for science, no? Gun milti hai, bachane ke liye bhi gun milti hai, maarne ke liye bhi. To ab agar jiska dimag jaisa khurafati hoga, wo aisa hi insaan kaam karega. Aap usme kuch nahi kar sakte ho. Bilkul, bilkul. We are so one of my shows which is nominated is called Class of 2017. So is saal Class of 2018 is coming. And one of my biggest youth shows is happening called Punch Beat. Ekta and I are very very excited about the show. So I think there's more stuff happening digitally right now. So what more exciting time. Thank you, sir. Thank you guys. Hi. Thank you. I expecting a dazzling night. I think it's very important that all of us, just like you, all of us come and support it. I think in the Indian digital industry is in its very nascent stage, and I think इस साल हमने काफी shows देखे हैं. पिछले साल थोड़े आए थे, इस साल और आए हैं. अगले पांच साल में बहुत ज़्यादा आएंगे. And I'm just happy and fortunate that जब 10 साल बाद या 15 साल बाद डिजिटल स्पेस के बारे में बात की जाएगी, हम आज हम सब इस रात यहाँ शामिल थे जब ये इसकी शुरुआत हुई थी. सो आई थिंक इट्स इन अ लॉट ऑफ वेज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नाइट टुडे. सॉरी, कैन आई स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी क्या? ओके ओके. हाँ, क्यों आप अंग्रेजी में पूछ रहे तो मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ. आई थिंक एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो एज अ प्रोड्यूसर मुझे खुशी है कि अलग किस्म की मीडियम्स एग्जिस्ट एट द सेम टाइम. आपके ऊपर आपका किस किस्म का कॉन्टेंट है और आप किस मीडियम के लिए बनाना चाहेंगे, बट एज एन आर्टिस्ट आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि आप टेलीविजन भी कर सकते हैं, आप सिनेमा कर सकते हैं, आप थिएटर कर सकते हैं, डिजिटल कर सकते हैं. आई थिंक इट गिव्स यू द फ्रीडम. आई डोंट रियली थिंक सेंसरशिप और नॉट इज द इशू. आई थिंक डिजिटल मीडियम इज टू बी यूज फॉर कॉन्टेंट विच इज टू बी क्यूरेटेड फॉर डिजिटल. टेलीविजन जो माध्यम है वो घरों में जाता है, इट्स अ मास मीडियम. तो वो कंटेंट जो बनता है ज़्यादातर हाउसवाइफ्स के लिए बनता है, या यू नो जो लोग घर पे रह के शोज देखना चाहते हैं. आई थिंक डिजिटल इज़ फॉर द ऑडियंस जो ऑन द मूव है शहरों में, स्लाइटली यंगर ऑडियंस जिनके पास वक्त नहीं है टेलीविजन देखने का.
सो ऑफकोर्स उनके लिए स्पेशली कॉन्टेंट क्रिएट किया जाता है. सो आई थिंक देर इज ऑफकोर्स अ लिटिल मोर फ्रीडम क्योंकि यू कैन स्पीक लाइक देम, यू कैन टॉक लाइक देम एंड यू कैन बिहेव लाइक देम. सो येस इट्स फन. ज़रूर मैं इनफैक्ट वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू वेब सीरीज विच केम इन द कंट्री वॉज समथिंग विच मी एंड माई फ्रेंड्स हैड प्रोड्यूस्ड एंड आई वॉज ऑल्सो एक्टिंग इट. आई डोंट वॉच टीवी एंड अभी हम एक इनफैक्ट इस साल माई प्रोडक्शन कंपनी इज वर्किंग ऑन अ न्यू वेब शो. होपफुली 2019 में आप यहाँ मुझे एज अ प्रोड्यूसर देखेंगे फिर से. सॉरी I think it's very early to say and it's probably not correct to say that. I think television is a very very strong medium and you know khane ki tarah hai. Agar aap main course khaye dessert to aapko phir bhi khana hi hai. Starters aap bhulte nahi hai jab restaurant jate hai. I think so all of these mediums, be it cinema, be it theater, live, be it television, digital, all have their own audience and kabhi kabhi waqt man karta hai ki prithvi theater chale jaake live audience wo ek feeling aap enjoy kijiye. कभी मन करता है जब है ना बिग फिल्म एपिक फिल्म लाइक पद्मावती कम्स यू वांट टू गो टू द सिनेमा राइट एंड देन देर इज देर आर टाइम्स व्हेन यू वांट टू वॉच शोज व्हेन यू आर इन द कार और यू आर ट्रैवलिंग. सो आजकल सब कुछ है. आई डोंट थिंक कोई किसी पे हावी हो रहा है. आई थिंक एज एन ऑडियंस दिस इज द बेस्ट टाइम बिकॉज यू कैन चूज आपको कहाँ क्या देखना है और क्या नहीं देखना है. थैंक यू. रुकना है नहीं रुकना. हाय हाउ आर यू. अगर कुछ पूछना है तो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन. नो नो नो. हाय हाउ आर यू. Sir, please, sir, just please. Entered. क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो. Hi, yes. Mental है क्या? बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है. आई थिंक रीच बहुत ज़्यादा है और यू नो पोस्टेरिटी के लिए आपके एक चीज़ है जो रह जाती है यहाँ पे. आप आज कल परसों एक साल बाद कभी भी देख सकते हैं. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. इट हैज़ रियली रियली वाइड रीच. या I am very mental right now. I am very happy about the kind of response we got just by the images. And me, Ekta and Kangana work. We all are collaborating again after me and Kangana after Queen. And I've started my career with Ekta, so I give her a lot of credit.
And it's a really exciting script, very wacko, crazy, something we've not seen earlier. So that's what I look for as an actor to do. सब मेंटल हैं इस पिक्चर में आप देखना आपको जब मजा आएगा अभी मैं बताऊंगा नहीं कि हमने अभी शूट हमारा ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है सो आई वोंट से कैसा रहेगा वो तो पता चलेगा बट आई एम वेरी श्योर इट विल बी वन ऑफ इट्स काइंड द फिल्म द ओनली थिंग इज यू आर नॉट वरी देयर इज नो वरी अबाउट सेंसरशिप दैट्स द ओनली थिंग आई थिंक द बेनिफिट बट अपार्ट फ्रॉम दैट द वे वी मेक फीचर फिल्म्स एग्जैक्टली हाउ वी मेक स्टफ ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स Each to his own, yeah. However you want to make it, however you want to see it. If people appreciate, like it, they'll watch it, otherwise they'll discard it. So each to his own. I think there's no, there should not be any boundary, I guess. Yeah. Who? Yeah. Well, he is a genius, I feel, honestly. Like the kind of films he has made, I don't think anybody can touch him. Thank you so much. Thanks a lot. And you can also ask me before. I'm expecting my friend to win some more awards. Raj has been fantastic this year, and I hope that he. You know, as this winning spree. So I'm just here to wish everybody. Yeah, so it's very good. I mean, we're doing films and we're doing web series again. Like, you know, पिछले छह महीने से मैं भी web series में जुटा हुआ हूँ. And it's fantastic, यार. You know, it's like, it's the best medium. You know, I've had such a ball working with Ekta Kapoor, with Disney. It's fantastic. See, I think commercial cinema also now, you know, whatever the changes have happened, people have become more liberal. But definitely, you can push the edge and the envelope as a digital platform. इसलिए, I think it's flourishing even further. And you can't, you know, I mean, वहाँ पे hit or flop decide हो जाता है. Audience आपकी king है. So, thank you so much. Wait. क्या है? चंचन, मार दो। विशाल। डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे लिए भी मतलब बहुत एंटरटेनिंग है जब हम टीवी शूट करके घर पहुंचते हैं उसके बाद हम भी सोने से पहले बहुत सारे शोज देखते हैं सो इट्स वेरी एक्साइटिंग टू कम हियर एंड टू सी अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स Yeah, and I think digital is the new trend, the new boom because बहुत ही आपको आपके हाथ में पावर है कि आपको कब चीज़ देखनी है कितने एपिसोड्स एक साथ देखने हैं एंड प्लस कई बार हम भी शूट कर रहे होते हैं तो हम भी लाइक जो फ्री टाइम होता है उसमें बाकी शोज़ देख लेते हैं जो बाकी डिजिटल ये है वो देख लेते हैं कई बार हम हमारे शोज़ भी डिजिटली देख लेते हैं कई बार आई थिंक हम हमारे शोज़ भी डिजिटल देखते हैं बट हम अपने फैंस को ज़रूर बोलते हैं कि आप टीवी देखिए बट अब हम सारे टीवी शोज़ के लिए भी अपने अपने ऐप्स हैं और वहीं पर सब देखते हैं तो आई थिंक इट्स वेरी न्यू जेन एंड इंडियन विकिमीडिया अवार्डिंग ऑल द डिजिटल शोज इट्स लाइक यू नो बूस्टिंग देयर मोरल एंड प्रमोटिंग इट लाइक यू नो एनकरेजिंग देम सो आई थिंक इट्स रिक्वायर्ड ऑफ कोर्स क्यों नहीं जल्दी साथ में ऑफ कोर्स क्यों नहीं अब तक कुछ प्लान नहीं है तो क्या रिवील करें बट आप सबको बुलाऊंगा जब ये माइंड रीड करती हैं जो भी बैठे हैं आप माइंड रीड करते हो मुझे लग रहा है डेफिनेटली कुछ प्लान कर रहे हैं तो जल्दी आ जाएगा थैंक यू सो मच थैंक यू वेल इज द फर्स्ट डिजिटल अवार्ड्स सो वेरी एक्साइटेड Obviously great to be part of this medium and hopefully we'll win something. Yes, absolutely and I mean everyone was skeptical ke how many people will watch but I think it's growing very fast.
There's a big audience for this and recognition is happening, so that's great. Oh, 100%. I guess this allows you a lot of creative freedom. There's not the pressure of box office, at least yet. There's no TRP to cater to. And I mean, you can target your audience. So you can make something more specific and yet you want to. Well, see, to each his own. So whatever, you know, works for him. So as long as there's freedom, it should be for everyone. So thank you. काबिल हूँ, हाँ जी, हाँ मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये इनका पहला अवार्ड शो है और आई थिंक इंडिया में बहुत कम अवार्ड शोज हैं जो सिर्फ डिजिटल को ऑनर करते हैं, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इसके बारे में. जी एग्जैक्टली तो मैं इनसाइड एज को यहाँ रिप्रेजेंट करने आया हूँ. आई मीन भगवान की शुक्र से इट हैज़ डन वेरी वेरी वेल और अब हम इनफैक्ट सेकेंड सीजन स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि जितने भी दर्शक हैं दे वॉच इट एंड दे इन्जॉय इट और इनसाइड एज जैसे और बड़े बड़े शोज भी आए जो अच्छा बिजनेस करें. देखिए आई थिंक जो आप ए डिजिटल मीडियम पे दिखा सकते हो दिखा पाते हो वो थोड़ा अलग है. फिल्मों में सेंसरशिप की वजह से थोड़े रिस्ट्रिक्शंस है, फिर कमर्शियल रीजंस की वजह से 3-4-5 गाने तो रहेंगे, एक आइटम सॉन्ग तो रहेगा ही. डिजिटल पे आपके पास काफ़ी फ्रीडम है कि आपके यहाँ सिर्फ एक या दो मेन कैरेक्टर्स ना भी हो तो भी चलेगा. जैसे इनसाइड एज में एक एंसेंबल स्टारकास्ट है जहाँ पे सबको शाइन करने का मौका दिया गया है, तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी लिबरेटिंग. जी ऑनेस्टली आई हैवंट सीन द शो, नाइदर हैव आई सीन अ ट्रेलर, तो मैं उसके ऊपर कमेंट तो नहीं कर सकता हूँ. बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जो लिबर्टी है वी शुड नॉट अब्यूज़ द प्रिविलेज, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ सेंसरशिप करने की ज़रूरत है. सो आई थिंक वी शुड नो कि वेयर टू ड्रॉ द लाइन, यू नो. आई थिंक वो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम सोसाइटी के लिए ये कंटेंट बना रहे हैं, तो यू नो बच्चे भी देखेंगे, टीनेजर्स भी देखेंगे, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम जो दिखाए वो देखने लायक हो. थैंक यू सो मच. थैंक यू. या Digital platform is a very fast growing and very interesting platform, and I'm very happy that All Balaji has promoted such of a platform where all the talents will come forward and they'll be awarded and recognized, and it's a start of a lovely journey in terms of content making. Both have their own space and I don't think they can infiltrate on one another. You know, digital platform, the great thing is you can experiment with the stories and it's a longer format. So you have much more time to develop the characters and experience nuances and, you know, all sorts of emotions that can be portrayed easily. I am expecting a lot of surprises inside because it's something I think happening for the first time, that at least according to me, and I'm looking forward to this, that andar kuch dhamaal hoga, sare friends hain, Sumer Pasricha, I'm waiting for my best friend to perform something.
I beg your pardon, I can't hear you. I think web is the future, and this is the first step towards the future. First step towards the future, so yeah. So yes, I think it's a great initiative, and this is the first step towards the future by the awards. So I think it's a great idea, because look at that, TV extinct ho jayega, but that is not going to happen. But web definitely flourish karega, and looking forward to this flourishing. Yeah, thank you. Global Advertiser for innovative outdoor solutions.